दोस्तों रिलायंस जियो अपनी जून में तीन बड़ी सर्विसेज लॉन्च करने वाला है। आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या सर्विसेज हैं और वो कब लॉन्च हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा रिलायंस जियो के बारे में, जो कि यहाँ पे तीन बड़ी अपडेट्स आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से कि जून में यानी कि 2017 के मिडिल ऑफ जून में रिलायंस जियो अपनी तीन बड़ी सर्विसेज जो है वो लॉन्च करने वाला है। रिलायंस जियो जो पहली सर्विस लॉन्च करने वाला है वो है दोस्तों FTTH फाइबर टू दी होम। जो ब्रॉडबैंड लॉन्च करने वाला है दोस्तों वो है फाइबर ब्रॉडबैंड, यानी कि आपको यहाँ पे स्पीड मिलेगी, मिनिमम स्पीड मिलेगी 100 Mbps और मैक्सिमम स्पीड मिलेगी 1 Gbps। अब मैं दोस्तों यहाँ पे MB यानी कि कैपिटल B की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम आपको स्पीड मिलेगी 10 Mbps और मैक्सिमम स्पीड मिलेगी 100 Mbps। तो ये 100 Mbps काफ़ी अच्छी स्पीड हो सकती है अगर आप अगर नेट चलाते हैं, यूज़ करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर यहाँ पे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर इस तरह का कुछ भी अगर डाउनलोडिंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी स्पीड हो सकती है 100 Mbps। अगर आपको लगभग जो मिलते जुलते प्लान है दोस्तों, अगर मैंने एक कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से अगर आपको देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप आसानी से उन प्लान जो है वो देख सकते हैं। लगभग उनसे मिलते जुलते ही प्लान रहेंगे, हालांकि मैं ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट आपको वही प्लान मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको ये सर्विस भी आपको अगर लॉन्च होगी तो ये भी 3 महीने आपको फ्री देखने को मिलेगी, जैसे आपको जो है रिलायंस जियो की जो सिम आई थी उसमें हमको जो देखने को मिली थी, इसी तरह की ये भी आपको 3 महीने फ्री देखने को मिलेगी। हालांकि ये बात अलग है कि जो ब्रॉडबैंड का यहाँ पे जो राउटर की हम बात करें तो उसका आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि हो सकता है 4500 रुपये। अब दोस्तों दूसरी सर्विस की हम बात करें तो यहाँ पे DTH सर्विसेज जो है जियो अपनी लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द, यानी कि यहाँ पे आपको जो है 360 चैनल मिलेंगे और 50 HD चैनल रहेंगे। अगर हम प्राइस की बात करें यहाँ पे तो या तो फिर 3 महीने तक फ्री हो सकता है या फिर बहुत ही सस्ता हो सकता है ये। अब दोस्तों तीसरी सर्विस की हम बात करें तो रिलायंस जियो यहाँ पे अपना 4G VoLTE फोन लाने वाला है। अब ये फोन फीचर फोन होगा और ये नॉर्मल फोन होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें स्मार्टफोन होगा, ये नॉर्मल फोन होगा और मिनिमम प्राइस इसकी 1500 रुपये होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप नॉर्मल कॉलिंग के लिए अगर चाहते हैं या सिर्फ SMS भेजना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो रिलायंस जियो की 4G सर्विसेज है ये कोई 2G या 3G सपोर्ट नहीं करती, तो जो पुराने फोन है हमारे पास वो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आने वाले रिलायंस जियो के। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इंटरनेट के साथ साथ जियो डिवाइस की दुनिया में भी क्रांति ला सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये तीनों न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। तीनों जो सर्विसेज है वो काफ़ी जल्द यहाँ पे जियो लॉन्च करने वाला है, हालांकि यूमर आ रहे हैं कि जून में ये लॉन्च हो जाएगी। ब्रॉडबैंड से पहले मुझे लग रहा है कि ये जो जियो 4G VoLTE फोन है ये लॉन्च कर देगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियो के लिए आगे बढ़ने के लिए, उसके फीचर के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोस लेके आते रहता हूँ और साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जाननी जरूरी होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो के लिंक यहाँ पे, उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में, नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।